हमसे चुनाव से नहीं मतलब है, वोट देने से मतलब है। वोट दे दिया, जीते या हारे हमसे नहीं मतलब है। बाकी इतनी महंगाई है, कोई भूखा मर रहा, कोई प्यासा मर रहा, कहीं पानी नहीं कहूँ कुछ नहीं, कहीं नाली नहीं कहूँ कुछ नहीं। ये जो जनसंख्या है इतनी दिख रही है, इतनी गरीबी से पल रही है, एक एक दिन कोई ना कोई नहीं दे, भूखे लेटता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे इतनी महंगाई है। अब मनमा का चला बांट दे ना, जौन जीती तो वही नाली कूड़ा यू बटोरा ही है आदमी से ने औरतन से ने, जौन करावत यह कराई है आप ही लोगों से करवा और का करवाई तो है। ये जब अभी भरी हमें तो करत तो पर भाई करे। अच्छा, कि आप लोग कर रही हो कि मोदी यही है करे, कि मुलायम सिंह जी जे मायावती जी जे यही है करे, कौनो दोबारा दिया खै ना आई। गैस हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, चावल महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, 30-35 में गेहूँ चावल बिक रहा, बताओ। यहाँ खेती किसानी नहीं है कुछ नहीं, दिक्कतें हैं बहुत, बहुत सारी सी दिक्कतें हैं भैया। फोर पी एम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतीशकांत। आपको बता दूं इस समय राजधानी लखनऊ के गोमती नगर एरिया में हूं और जिस लोकेशन पे खड़ा हूं ये कहलाता बड़ा भरवारा। पीछे आप देख रहे हैं मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं, सभी महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें महिलाएं क्या सोचती हैं। ये हरिजन बस्ती है, यहाँ पे एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं। चाची आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम है लीलावती। लीलावती जी कौन बिरादरी हो? हरजन। अच्छा, हम ये बात करें 2024 में चुनाव है, मुद्दे क्या हैं आप लोग के, क्या मुद्दे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं? हमसे चुनाव से नहीं मतलब है, वोट देने से मतलब है। वोट दे दिया, जीते या हारे हमसे नहीं मतलब है। बाकी इतनी महंगाई है, कोई भूखा मर रहा, कोई प्यासा मर रहा, कहीं पानी नहीं कहूँ कुछ नहीं, कहीं नाली नहीं कहूँ कुछ नहीं। ये जो जनसंख्या है इतनी दिख रही है, इतनी गरीबी से पल रही है, एक एक दिन कोई ना कोई नहीं दे, भूखे लेटता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे इतनी महंगाई है, दाल के लेके, चावल के लेके, आटा के लेके, सिलेंडर के लेके, हर चीज तेल मिल, बताओ भाई कैसे निपटेगा हमारे लोगों की जिंदगी। महंगाई की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कत। अच्छा। लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, फीस नहीं जमा कर पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, इतनी महंगाई। कोई स्कूल है इतनी हाई फाई, और कहीं क्या क्या मांग लेते सरकारी स्कूलों में कि पढ़ाई नहीं पाते हैं गरीब लोग। ये हरजन बस्ती है। अरे कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? अरे 1000-2000 होंगे, लगभग 2000 लोग। हाँ भैया, लड़के लड़कियाँ सब हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि विकास काफी हुआ, विकास हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, चावल महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, 30-35 में गेहूँ चावल बिक रहा, बताओ। यहाँ खेती किसानी नहीं है कुछ नहीं, दिक्कतें हैं बहुत, बहुत सारी सी दिक्कतें हैं भैया, बहुत सारी दिक्कत जी। राशन कार्ड बनना चाहिए, गरीबी आए। अब हम लोग काम करने वाले नहीं, काम कर रहे हैं, मान लो अब बच्चे जियाव है कि 200 रुपए तेल लिए कि दाल लिए कि क्या कर रहे हैं। देखिए कुछ कर, क्या कह रही हैं? ये बच्चा बताओ, इतना बड़ा है, पेट के लिए काम करने जाने लगे। सारे बच्चे छोटे छोटे जाते हैं सब काम करने, सारे बच्चे पेट के लिए जाते, पढ़ने वाली इनकी उम्र है, मगर महंगाई इतनी है कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य क्या काम करने लगे यार तुम? मसाला देते हैं बस, मिस्त्री को। हाँ? मिस्त्री को मसाला। पढ़ने क्यों नहीं जाते तुम? छुट्टी है आज। आज छुट्टी है? हाँ। बाकी दिन जाते हो कि नहीं? बाकी दिन जाते हो कि नहीं? जाते हैं। जाते किस क्लास में अभी? 6। अच्छा, मजदूरी क्यों करनी पड़ती है, क्या दिक्कतें आती हैं? मेरे पापा मतलब की तबीयत खराब है, नहीं जाते हैं तो हम जाते हैं। तबीयत खराब है? हाँ। आप इनकी चाची है? नहीं, दादी हैं हम। दादी हैं? दादी हैं। तो इतनी किस तरीके की दिक्कतें हैं? इनके 3-4 बच्चे हैं, मतलब भाई ये दो, एक ये है और एक लड़की है, बहू है, और इनके पिता बीमार हैं और बहू है, इसलिए जाते पेट के लिए जाते हैं कि हम भूखे ना पहुड़े। और पढ़ाई सरकारी में जाते, ऐसी वैसी फीस मांगे, कहूँ का करें, कहूँ कापी है, कहूँ किताबें नहीं, गे या नहीं गे, डार दिन बैग, फिर मजूरी दौड़े पेट। ऐसी दिक्कतें पूरे बस्ती में? पूरी बस्ती में भैया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि बता दे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, कोई नहीं बता सकता है भैया। यहाँ पे कहीं अच्छे पढ़ाई नहीं हो। हाँ, यही महंगाई। चाची चाची आप किन मुद्दों पर वोट करोगी? अरे भैया वोट का करब, जो हम कह रहे हैं कि महंगाई हमारे पास है, हमारे पास कोई करे वाला नहीं है। जो मेरा पैसा आता था मायावती के, वो भी हम सब मीटिंग गए, सब कुछ गए, बीच में क्यों कट गया? मैं उम्र नहीं है मेरी, मैं का बच्चा हूँ, का बर्तन मांजने वाली हूँ।
मैं खा सकती हूँ बैठ के। अच्छा नाम क्या है आपका पूरा? रघुराई नाम है, पति नाम चेत राम। कौन बिरादरी हो आप लोग? हरजन। अच्छा चाची एक बात कर लें, ये क्या अखिलेश गवर्नमेंट जिस समय थी उस समय पैसा आ रहा था कि तब भी नहीं आ रहा था? कभी नहीं आया पैसा। नहीं, जब तक मायावती रही तब तक पैसा आवा है, तो कि बाद में नहीं आवा। उसके बाद कट गया आपका? कट गया। इको बैंक का मेरा खाता है, ये भी खोला है, मोदी के नाम खोला है, उसमें पैसा मेरा नहीं आवा। वैसे काफी। चाची ये मोहल्ला कौन सा, कहाँ पे रहती हो आप, कौन से मोहल्ले में? अरे हम भैया इस सड़क चलो, हमारा मकान लास्ट है। कौन सा मोहल्ला ये कहलाता है? मोहल्ला ये विराजखंड दो लगता है, बड़ा खंड दो लगता है। हाँ। अच्छा चाची आपका नाम क्या है, आपसे बात कर, आपका नाम क्या है? केस कली। कौन बिरादरी आप लोग? हरजन। अच्छा किस तरीके की दिक्कतें हैं और 2024 का दिक्कत है तो मोहल्ले में हनवाही सबका दिक्कत ही है सबका। देखिए 2024 में चुनाव है, किन मुद्दों पर वोटिंग करेगी आप लोग? तो अब जैसे सब कोई करी वैसे हम हूँ रही बेपी साथ है। आपके मन में क्या चल रहा है? अब मन में का चल रहा, वार्ड दे है ना, जौन जीती तो वही नाली कूड़ा यू बटोराई है आदमी से ने औरतन से ने, जौन करावत यह कराई है आप ही लोगों से करवा और का करवाई तो है ये, जब अभी भरी है मैं तो करत तो पर भाई करे। अच्छा आप लोग कर रही हो कि मोदी यही है करे कि मुलायम सिंह जी जे मायावती जी जे यही है करे कौनो दोबारा दिया खे ना आई। अच्छा हाँ। आप लोग किचन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ किचन होते तो वहाँ देख लियो, किचन है इधर घर आई इधर किचन है, ना कॉलोनी है ना लैटरिंग है ना बाथरूम, यहाँ कुछ मिला है ये गांव तो कुछ नहीं दी से मोदी और ना मायावती ना मुलायम सिंह कोई नहीं दी से। घर वर देने की बात हुई कुछ नहीं? कुछ नहीं कुछ दी से है, कुछ नहीं दी से मिला किसी को नहीं। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है माया। कौन बिरादरी हो आप? हरजन है। अच्छा क्या दिक्कतें रही, कुछ मिला हिला आप लोग को? मिला तो कुछ भी नहीं, मायावती थी तो भले ही पेंशन आती थी गरीबों की विधवाओं की, वो भी नहीं अब आता है, अब नहीं आता जब से मोदी की सरकार हुई, वो भी बंद हो गया, सब बंद हो गया जी। अच्छा आप लोग किचन में सारी व्यवस्था सही है? किचन है ही नहीं हमारे घर में भैया, जब कॉलोनी नहीं मिली तो किचन है कहाँ जी। अच्छा ये बताइए कि जो महंगाई की जो बात हो रही है लोगों से यहाँ पर सुना, क्या महंगाई वाकई में है या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं महंगाई तो है बहुत है, 200 रुपए का कड़वा तेल मिलता है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा सिलेंडर जो फ्री में बढ़ा गया? फ्री में हम लोग को नहीं मिला सिलेंडर। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। सिलेंडर मिला था? नहीं कोई नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं हमारे तो आदमी नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा महंगाई वाकई में है या सब सस्ता चल रहा है? तो का झूठ बोला, जो कोई चीज दाल जो 30 रुपए में रहता हूँ 120 हम 150 में हो गए है, तो बताओ औरतें का खा लिया है? अब जीत जाई है तो यहाँ करी है, और नाली झाड़ू लगाओ है हमारे साथ है पर लगाओ। चाची नाम क्या आपका? कमला देवी। कमला देवी यहाँ कब से आप रह रही हो? अब हमार बिहार हुआ कब से रह रहे हैं, पुरखा पुरखा से रह रहे हैं, जब से हमार शादी हुआ तब से ही रह का को भगेरू अन का। अच्छा 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हाँ। वोट वोट डालने जाती हुआ आप? अब काली होता वोट ढेर यार, अब कर जाए नहीं। अच्छा नगर निकाय चुनाव का? हाँ। अच्छा 24 में चुनाव है तो किसको आप पसंद करती, कौन आपका सबसे बड़ा नेता है? अरे भैया अभी हम दुनियादारी न पढ़े न लिखे हम का जाने कौन नेता अच्छा, है। अच्छा दिक्कत है क्या क्या है, कौन कौन मुद्दे? दिक्कत देखो भैया कौन गोर धर के निखरे गली नहीं कैसी आई जाए। अब सुनो भैया अब है कोई मृत्यु को मट्टी ले जाए गली नहीं, और बताओ एम्बुलेंस वगैरह आ जाते? अरे मनाई नहीं निखरे गली नहीं, कई जगह गायब हुई हो गोर से रखा है जगह। अच्छा चाची ये बात करें कि जो सुविधाएं जो सरकार देने की जो बात कर रही है वो सुविधाएं पहुंची आप तक कि नहीं पहुंची? कौन पहुंचे भैया, कोई पहुंचा हो बताओ हमका? नहीं पहुंची कोई सुविधा नहीं पहुंची, कौन सुविधा नहीं, बारह में सुविधा नहीं, दुनिया में हो हमारे गांव में सुविधा कोई नहीं। तो अच्छा आपका कोई बड़ा नेता है किसी को पसंद करते हो आप की नहीं? अरे का नेता की को आवा है, 50 नेता है को यहाँ उजेरी लगावा नाली साफ रहा है। अच्छा ये बोला जाता है कि मायावती जी आप लोग के बड़े नेता हैं, क्या मायावती जी आज भी बड़े नेता हैं या कोई और हो गया है? अब पता नहीं जी का नसीबा हो ही भैया। मल्हौर बड़ा बलवार बड़ा भरवारा में है, ये हरिजन बस्ती थी, सभी में नाराजगी काफी है, सभी बता रहे हैं जो विकास की जो गंगा जो बहाने की जो बात हो रही थी वो विकास की गंगा कहीं ना कहीं चूक हुई है इस क्षेत्र में, और लोग साफ कह रहे हैं कि इनके बीच में नाराजगी है और साफ है कि 2024 का चुनाव क्लियर करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ग्राउंड स्तर पर ये मुद्दे हैं, जो सुविधाएं जो देने की बात जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा है सरकार का, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं पहुंचने में चूक हुई है बड़ी। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, अपने मुद्दे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा आपके मुद्दे उठाऊँगा जरूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।
धन्यवाद।